क्या नाम है आपका? पंडित मयूर कुमार जोशी। जोशी जी, ये बताए कि आज मांडवी में मतदान सफल रहा है और मतदाताओं की अच्छी रुझान भी देखा गया, क्योंकि यहाँ पे पिछले वर्ष से ज़्यादा बढ़ोतरी होकर के मतदान हुआ है जी। तो इसको लेकर के आपका क्या कहना है? कहना ऐसा है कि मतदान शांतिपूर्ण हुआ जी, युवाओं में ज़्यादा उत्साह दिखा जी, जोश दिखा। सभी पार्टियों ने अपनी अपनी यहाँ पर ताकत झोंकी। मुख्यतः तो बीजेपी और कांग्रेस का ही मुकाबला है, लेकिन ये पानी की लड़ाई है जी, ये रोजगार की लड़ाई है, ये युवाओं की लड़ाई है, ये शिक्षा की लड़ाई है, ये किसान की लड़ाई है। और इसमें जो गरीबों का और बुजुर्गों का जो आशीर्वाद है, उसकी सफलता की लड़ाई है। क्या लगता है आपको 11 तारीख का परिणाम क्या होगा? अभी बता दें आपको या 11 तारीख तक इंतजार करें? अभी बता दीजिए। ओनली वन नीले विनोद डागा, क्योंकि उनके साथ गरीब बच्चों का आशीर्वाद है जी। छोटे जो तबके के लोग हैं उनको उन्होंने निःशुल्क कोचिंग कराई है जी। बुजुर्गों का आशीर्वाद है और हमारे प्रत्याशी ने हर घर जाकर सबका आशीर्वाद लिया है। और जिसके साथ में आशीर्वाद होता है, जिसके साथ में दुआ होती है, जिसके साथ में दिल होता है, जिसके साथ में मेहनत होती है, उसका तो ईश्वर भी साथ देते हैं। नहीं, आमतौर पर देखा जाए तो 70% के ऊपर अगर से मतदान होता हो तो बीजेपी की सरकार बनती है। नहीं, ये तो एक मिथक है जी, मिथक है ये, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। कभी कभी कुछ कहावतें भी फेल हो जाती है और देखते हैं।